हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताऊंगा एक छोटे जादूगर के बारे में जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यानी वेटा लोग के बारे में। यह किन किन बीमारियों में यूज किया जाता है, कब और कैसे दिया जाता है, इसकी डोज रेट क्या रहती है, कब फायदा करता है, कब नुकसान करता है, तो आज आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे आप तक हर प्रकार का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, यह इंजेक्शन वेटालोग के नाम से जेनेक्स कंपनी का आता है, जिसमें हमें ट्राइमसिनोलोन एसिटोनाइड साल्ट मिलता है। यह इंजेक्शन सिर्फ 5 ml का ही आता है, जो वेटनरी लाइन में अंधाधुंध यूज किया जाता है। यह कब फायदा करता है, कब नुकसान करता है, इसके बारे में आज आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। तो दोस्तों, यह इंजेक्शन एक कोर्टिकोस्टेरॉइड है, जैसे डेक्सामेथासोन है, प्रेडनिसोलोन है, आइसोफ्लूड है, ये सभी स्टेरॉइड है। और वेटालोग इंजेक्शन भी कोर्टिकोस्टेरॉइड की श्रेणी में आता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान जरूर रखना कि जहां भी पशु में इम्यूनिटी पावर की जरूरत होती है, वहां इस इंजेक्शन को लगाया नहीं जाता, क्योंकि यह इम्यूनिटी पावर के लिए खतरनाक है। जैसे दोस्तों, पशु में कोई भी वायरल डिजीज होती है तो आपने इस इंजेक्शन का यूज कर दिया है, वह वायरल बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है। तो दोस्तों, इस इंजेक्शन का यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है? यह इंजेक्शन पशुपालक भाई पशु चिकित्सक की देखरेख में ही यूज करवाएं, अन्यथा आपको कोई नुकसान भुगतना पड़ सकता है। यह इंजेक्शन आपको छोटे जानवरों जैसे काफ है, भेड़ बकरी है आदि में भी यूज नहीं करवाना है, क्योंकि दोस्तों, यह इंजेक्शन छोटे जानवरों में इम्यूनिटी पावर को खत्म कर देता है, इसलिए यूज ना ही करें तो बेहतर रहता है। क्योंकि दोस्तों, जैसे छोटे काफ है, वह अपनी माँ से दूध के जरिए इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। उनके अंदर इम्यूनिटी पावर खुद नहीं बनती है, इससे वो दूध से बढ़ाते हैं, तो वो इम्यूनिटी पावर इस इंजेक्शन से खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, पशुओं में जैसे स्किन डिजीज हो जाती है, स्किन खराब हो जाती है, तो उस स्थिति में आपने बहुत ही इलाज करवा लिया है तो फिर भी स्किन डिजीज ठीक नहीं होती है, तो इस स्थिति में पशु चिकित्सक द्वारा इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। यह इंजेक्शन पशु चिकित्सक 1 दिन से लेकर 3 दिन तक यूज किया जा सकता है। आपको इस कंडीशन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से दोस्तों, पशुओं में अर्थराइटिस हो जाती है, यानी जोड़ों में स्वेलिंग हो जाती है, तो इस स्थिति में आपको यह इंजेक्शन यूज करवाया जाता है तो आपको बहुत ही अच्छा बेटर रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से दोस्तों, पशुओं में हाइग्रोमा हो जाता है, यानी पानी भरी सूजन, चाहे वह अर्थराइटिस से हो या कोई अदर बीमारी से हो, तो इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। इस तरह बीमारी में इसको 2 रूट से यूज किया जाता है। एक इंट्रा आर्टिकल से भी लगाया जा सकता है, यानी जोड़ों में जहां स्वेलिंग है वह इसको लोकल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लोकल यूज में भी वही डोज रखी जाती है जो इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस में रखी जाती है। इसी तरह से है दोस्तों, कई बार आंखों पर स्वेलिंग आ जाती है, यानी ऑटोमेटाइटिस। तो दोस्तों, यह कई बार कंडीशन हमें फील्ड में देखने को मिलती है, तो इस कंडीशन में आप इस वेटालोग इंजेक्शन का यूज किया जाए तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से दोस्तों, इसको मेस्टाइटिस में भी यूज करवाया जा सकता है, लेकिन यह इंजेक्शन दूध का दुश्मन होता है, यानी पशु में दूध को बिल्कुल सुखा सकता है। तो दोस्तों, कुछ कमियां भी है, जैसे पुरानी बीमारियों में लगाया नहीं जा सकता, वायरल बीमारियों में इम्यूनिटी पावर बढ़ानी होती है तो इसका यूज करवाया जाता है तो बढ़ाने की जगह इम्यूनिटी पावर को खत्म कर देता है, तो इस कंडीशन में आप इसको यूज नहीं करवा सकते। और दोस्तों, यह वेटालोग इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, क्योंकि जब प्रेग्नेंट में यूज करवाते हैं तो पशु का अबॉर्शन हो सकता है। इसी तरह से दोस्तों, पशुओं में ब्यांत के बाद कीटोसिस हो जाता है,
पशु खाना पीना कम करता है, चारा खा लेता है पर बांट या दाना मिश्रण नहीं खाता है, दूध और पेशाब में दुर्गंध आने लगती है यानी कीटोन बॉडी निकलने लग जाती है और पशु कमजोर होने लगता है दिनों दिन। तो इस प्रकार की दिक्कत हो तो इस इंजेक्शन का यूज करवाया जाता है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, यानी कीटोसिस के लिए तो यह रामबाण है यह इंजेक्शन। तो दोस्तों मैंने आपको जिस तरह के लक्षण बताए हैं जैसे अर्थराइटिस में, हाइग्रोमा में, कीटोसिस में, पानी भरी सूजन में, इस प्रकार की समस्या अगर हो तो इस इंजेक्शन का यूज करवाएं। लेकिन दोस्तों इसका यूज आप अंधाधुंध न करवाएं तो अच्छा रहता है। और एक बात दोस्तों, यह इंजेक्शन कोई भी अदर इंजेक्शन के साथ न मिलाएं, अन्यथा अच्छा वर्क करने की बजाय नुकसान भी कर सकता है और आपको काफ वगैरह में बिल्कुल भी यूज नहीं करवाना है क्योंकि इम्यूनिटी पावर को नुकसान करता है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो दोस्तों जो पशु 300 केजी से कम है तो आप 1 ml से लेकर 3 ml तक यूज करवा सकते हैं। यदि आपका पशु 300 केजी से ज्यादा, 400 केजी, 500 केजी का वजन है तो आप 3 ml से लेकर 5 ml तक यूज करवा सकते हैं और ज्यादातर प्रैक्टिशनर भाई 5 ml का ही यूज करवाते हैं। तो दोस्तों मैंने जो छोटी छोटी बातें बताई आपको तो उस तरह के लक्षण में आप यूज भी करवा सकते हैं और नहीं भी करवा सकते। खासकर छोटे बछड़ों में आप यूज न करवाएं तो अच्छा रहता है। तो दोस्तों यह इंजेक्शन बिल्कुल भी प्रेगनेंसी सेफ नहीं होता है और यह इंजेक्शन दो ही रूट से यूज किया जा सकता है, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस से। तो आप इंट्रावेनस लगाने की कोशिश न करें, आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है क्योंकि यह छोटे बछड़ों के लिए तो मौत का घर है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें और कमेंट भी करें क्योंकि जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू, धन्यवाद।